हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप के बारे में और कैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में चर्चा करी थी, क्या होता है पाथ डिफरेंस, क्या होता है फेज डिफरेंस, कब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कब होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप उसे एक बार देख लीजिए। अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना आइडिया है तो आप सीधे इस वीडियो को देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। यहाँ बात करते हैं तो यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, उन्होंने यहाँ पे कोहरेंट सोर्स बनाए। तो कोहरेंट सोर्स क्या बनाए, मतलब कि कोहरेंट सोर्स होते हैं क्या बताते हैं। कोहरेंट सोर्स वो होते हैं जिन सोर्स से निकलने वाली वेव्स, अगर मानते हैं कोई एक बॉडी एक कोहरेंट सोर्स है तो इससे जो वेव निकल रही होगी, ये दोनों वेव की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो सेम होगी, ठीक, और एम्पलीट्यूड है वो भी सेम या फिर नियरली इक्वल होगा। दूसरा क्या है, एक तो फ्रिक्वेंसी तो सेम होगी और एम्पलीट्यूड A1 एंड A2 सेम भी हो सकता है, चल जाएगा, और सेम नहीं हुआ तो नियरली लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कि जो फेज डिफरेंस मतलब जो फाई होता है वो सेम हो जाए या फिर कांस्टेंट हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से वेव निकली अभी यहाँ पे इनका फेज डिफरेंस पाई है, थोड़ी देर बाद 3 पाई हो गया, थोड़ी देर बाद 4 पाई हो गया, ऐसा नहीं रखना है। अगर पाई है तो पाई मेंटेन रहे, पाई बाई टू है तो पाई बाई टू मेंटेन रहे, मतलब कॉन्स्टेंट रहे। तो अगर ऐसी चीजें किसी चीज में हो रही हैं तो उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। अब ये कोहेरेंट सोर्स तो उन्होंने, अब देखिए दो अलग अलग बल्ब से जो हम लोग लेके यूज करेंगे उसमें उनसे जो वेव्स निकलेगी तो वो कोहेरेंट नहीं होंगे क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी में स्लाइटली चेंज हो जाता है। तो इसके लिए अगर ये बल्ब है इससे जो लाइट निकल रही है, अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है मतलब सिंगल वेव, मोनोक्रोमेटिक का मतलब बता दें, मैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, एक वेवलेंथ होना, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, ठीक है। अगर ये जो ये कोई मोनोक्रोमेटिक बल्ब है इससे जो भी लाइट निकल रही है इसकी फ्रिक्वेंसी सबकी सेम होंगे, ठीक है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी सेम। तो यहाँ पे इन्होंने यही किया कि एक इन्होंने सिंगल बल्ब लाइट सोर्स लिया, उसको वहाँ उसके सामने एक कार्डबोर्ड लगा दिया, उसमें 2 महीन से होल कर दिए, स्लिट बना दिया गया, तभी इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। यहाँ पे कोई लाइट सोर्स था जहाँ से वेव्स निकल रही थी लाइट, तो पता है अब यहाँ से जो लाइट निकलेगी और यहाँ से जो लाइट निकलेगी दोनों की फ्रिक्वेंसी तो सेम होगी, लगभग कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होगा, लगभग सेम एम्पलीट्यूड होगा, तो ये लाइट लगभग मोनोक्रोमेटिक सोर्स से निकलने वाली लाइट कहलाएंगी। तो इनसे यहाँ पे सुपर पोजिशन अच्छा होगा तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, है ना। तो अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था, एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था। तो ये फिगर आप देख पा रहे हैं, इसमें क्लियर आपको पूरा सेटअप दिखा देगा। इसमें क्या, एक ये सोर्स ऑफ लाइट है, एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब के सामने एक कार्डबोर्ड रख दिया इन्होंने, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, इससे इन्होंने एक 2 होल बना दिए, ये स्लिट बना दिया, ठीक है, ये हो गया स्लिट, ये स्लिट S1, इसका नाम S1 और ये S2, ठीक। अब यहाँ से जो बल्ब से लाइट निकलेगी तो लाइट इस होल से भी जाएगी, तो उन्होंने ऐसा अज्यूम किया था कि जब लाइट यहाँ से जाएगी सीधे और हमें इस जगह पे एक मिलेगा ब्राइट स्पॉट, इस तरह का ब्राइट स्पॉट, और इस जगह पे हमें मिलेगा एक ब्राइट स्पॉट, ठीक है, और इस पूरे रीजन में क्या होगा, पूरे रीजन में हम लोग को मिलेगा अंधेरा, ऐसा अज्यूम था। अगर ये पार्टिकल नेचर होती, अगर जैसे हम यहाँ से खूब सारे पार्टिकल फेंकें तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे हम स्पॉट बनाएंगे, ये पार्टिकल यहाँ जाएंगे हम यहाँ पे स्पॉट बनाएंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ से हम कोई वेव भेजेंगे तो ये वेव आपस में सुपर इम्पोज होगी, तो जब इस स्क्रीन पे मिलेंगे तो इस स्क्रीन पे पूरी जगह पे ब्राइट नहीं मिलेगा हमें, जब सुपर पोजिशन होगा इन दोनों में तो हमें कहीं पे स्पॉट मिलेगा डार्क, कहीं पे मिलेगा ब्राइट, कहीं पे मिलेगा डार्क, कहीं पे मिलेगा ब्राइट, इस तरह का मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो यहाँ से जो भी चीज़ें निकली वो थी वेव्स। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ब्राइट स्पॉट मिले बाकी जगह अंधेरा, तो यहाँ से जो चीज़ निकली थी वो थे पार्टिकल, ये प्रूव होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो यंग्स ने किया, तो इससे देखिए हमें क्या मिला, लाइट यहाँ पे सुपर पोजिशन हुआ लाइट में, और यहाँ पे मिला, उन्होंने देखा कि स्क्रीन पे कहीं पे ब्राइट स्पॉट थे, कहीं पे डार्क स्पॉट थे, कहीं पे ब्राइट स्पॉट थे, कहीं पे डार्क स्पॉट थे, इससे ये कन्फर्म हो गया। इससे देखो ये तो नहीं डिनाई हुआ कि लाइट पार्टिकल नेचर होता है, बट ये जरूर कन्फर्म हो गया कि लाइट के पास वेव नेचर होता है, ये कन्फर्म हुआ कि जो लाइट होती है वो होती है वेव नेचर दिखाती है। और अभी लाइट का यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर नहीं प्रूव हुआ था, ये नहीं जानते थे कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल होती है कि ट्रांसवर्स होती है, बट हाँ इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो चुका था कि जो लाइट होती है वो
वेव नेचर दिखाती है, और पार्टिकल नेचर डिनाई भी नहीं हुआ था क्योंकि अभी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट और फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट सब हो रहे थे, तो फर्दर एक एक्सपेरिमेंट और हुआ क्वांटम स्कैटरिंग विच इज फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोन मॉडल, है ना, तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसा, जब यहाँ से दो लाइटें यहाँ से जब भेजी गई, है ना, ये स्लिट है, स्लिट के बीच की डिस्टेंस डी है, और यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, यहाँ पे ये है एक स्क्रीन, यहीं पे एक इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक, ये स्क्रीन। तब इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट निकली, तो यहाँ से जब यहाँ ये कोहरेंट सोर्स की तरह, ये जो कार्डबोर्ड है एक कोहरेंट सोर्स की तरह वर्क करेगी, यहाँ से एक स्लिट से एक लाइट निकली, एक स्लिट यहाँ से लाइट निकली, ये लाइट गई, तो मान लेते हैं ये लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा होगा इन दोनों के बीच में, है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट पी एस यहाँ मान लेते हैं, ये जो पोजिशन इसको ओ मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, हो रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ फ्रेंज, कोई फ्रिंज बनी होगी, तो हम मान लेते हैं यहाँ से सपोज करते हैं वाई एन डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है वाई एन, इसको वाई एन मान लेते हैं, इस डिस्टेंस पे जो ये फ्रिंज बन रही है ये ब्राइट फ्रिंज बन मान लेते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा है ना, अब देखिए ये एंगल थीटा है और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, देखिए ये 90 माइनस थीटा, तो आप एक ध्यान से देखिए ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, देखिए ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90, तो ये एंगल थीटा। तो ये बताना था मेरा यहाँ पे उद्देश्य ये था कि अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, ये देख रहा, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, बस ये बताना उद्देश्य। अब बात करते हैं यहाँ पे सीधे एक्शन पे, जब ये लाइट यहाँ से निकल के यहाँ पे गई, और जब ये लाइट यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंची, इस पी पॉइंट पे पहुंची, तो ये एक दूसरे में सुपर पोजिशन हुआ, सुपर इम्पोज जब हुई, तो यहाँ पे ये क्या होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, या तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, तो अब जो एस वन से जो वेव गई पी पे मिली, और जो एस टू से वेव गई पी पे मिली, उन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना था ये निकालना है, पाथ डिफरेंस कितना था ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पहले देखेंगे इनमें पाथ डिफरेंस कितना है। तो वो पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये जो एस टू पी है, एस टू पी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे एस वन पी से, तो ये हमको मिल जाएगा पाथ डिफरेंस। हाँ, ये जो एंगल है थीटा, ये बहुत स्मॉल सा एंगल है, छोटा एंगल है, मैंने बताया फिजिक्स में जब ये एंगल थीटा वेरी स्मॉल होगा तो क्या करेंगे, इसको साइन थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, थीटा को सिंपली साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा को सिंपली थीटा लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। तो उसकी तो बाद में बात करते हैं, पहले सीधे यहाँ पे फेज डिफरेंस पे आते हैं। तो एस टू पी माइनस एस वन पी, तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएं, ऐसे ये परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर मैंने गिरा दिया एम एस से, तो ये दोनों लाइन, ये एम से पी और एस वन पी, ये दोनों तो बराबर हो गई। ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, ये दूसरी वाली वेव, ये एस टू एम, तो यही हो जाएगा पाथ डिफरेंस, यानी कि पाथ डिफरेंस बराबर हो जाएगा एस टू एम इज इक्वल टू एस टू पी माइनस एस वन पी, ये हमारा पाथ डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आ गया वो कितना, एस टू एम, यानी कि एस पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स लिखते हैं, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा एस टू एम। अब एस टू एम कितना, अगर ये जो स्लिट है एस वन एस टू के बीच की डिस्टेंस टी है, और ये वाला एंगल कितना मैंने बताया था थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी ये लेंथ हो जाएगी डी साइन थीटा, ठीक है। तो वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट कर लेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहाँ पे है ये लेंथ, मतलब एस टू है, मतलब डेल्टा एक्स है ना, और हाइपोटेनस कितना है वो डी है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो गया डी साइन थीटा, तो एस टू एम हो गया डी साइन थीटा, यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी साइन थीटा, यानी कि जो पाथ डिफरेंस है वो मिल चुका है हमको कितना, डी साइन थीटा। तो हमने जो पी पे माना था वो क्या माना था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस जो होता है वो होता है डेल्टा एक्स इज गल टू होता है एन लैम्डा, है ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू रख देंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी कि जो एन लैम्डा बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो एन लैम्डा इज गल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स कितना है डी साइन थीटा, है ना। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा डी साइन थीटा को कर सकते हैं टेन थीटा, असल में साइन थीटा को हम लोग यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं टेन थीटा, क्योंकि देखिए जो थीटा है थीटा इज वेरी स्मॉल, और जब थीटा स्मॉल एंगल होता है तो थीटा को हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर ये साइन थीटा से लिख हटा के लोग टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एन लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे डी टेन थीटा,
अब ये देखिए आप इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। सब क्लियर कर दिया, ये एंगल थीटा। अब आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल बनना है ना, ये लाइन है वाई एन, है ना, ये लाइन है वाई एन, ये पॉइंट पी है। तो ये जो पॉइंट पी, ये जो लाइन है वाई एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वाई एन अपॉन कैपिटल डी। टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वाई एन अपॉन कैपिटल डी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली एन लैमडा इज इक्वल टू डी वाई एन अपॉन डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी, है ना, ये हो गया। तो यहाँ से ये हम लोग को वाई एन मिल जाएगा, वाई एन क्या मिल जाएगा, वाई एन इज इक्वल टू मिल गया, वाई एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैमडा डी बाई डी, ये मिल गया वाई एन, है ना। तो ये जो वाई एन है ये है पोजिशन ऑफ, कहाँ से, ये जीरो पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से एनथ ब्राइट फ्रिंज की पोजिशन, वाई एन है पोजिशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करके पहले एक चीज़ लिख लेता हूँ यहाँ। तो हम लोग को क्या मिला था, जो पाथ डिफरेंस इजगल टू मिला था वो मिला था डेल्टा एक्स इजगल टू डी साइन थीटा, और जो पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज थी वो क्या थी, एन लैम्डा डी बाई डी। अब हम लोग अगर पहली ब्राइट फ्रिंज पता करनी होगी तो एन की वैल्यू हम लोग रख देंगे वन, तो वन रख देंगे तो जो पहली ब्राइट फ्रिंज होगी वो बनेगी लैम्डा डी बाई डी पे, जो दूसरी ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो बनेगी टू लैम्डा डी बाई डी पे, जो तीसरी ब्राइट फ्रिंज होगी वो कितने बनेगी, वो बनेगी थ्री लैम्डा डी बाई डी पे, ठीक है, इस तरह बनती जाएगी। अब हमें ये फ्रिंज विड्थ पता करनी है, मतलब फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ यहां पे अगर हम लोग को पता करना है किसकी, ब्राइट यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उसकी फ्रिंज विड्थ अगर पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे, सिंपली हम लोग माइनस कर देंगे वाई टू माइनस वाई वन कर दें, या वाई थ्री माइनस वाई टू कर दें, कुछ भी कर दें, जैसे हम यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन कर देते हैं तो क्या मिलता है, तो हम लोग को मिलता है टू लैमडा डी बाई डी माइनस लैमडा डी बाई डी, क्या मिला, लैमडा डी बाई डी। या हम लोग कर दें वाई थ्री माइनस वाई टू कर दें, वाई थ्री माइनस वाई टू कर देंगे तब भी यही मिलेगा, लैमडा डी बाई डी मिलेगा। यानी कि हर केस में जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हो रहा होगा उसमें जो फ्रिंजेस बनेंगे उनकी चौड़ाई सेम होगी, हर हर जितनी भी इसमें फ्रिंज बनेंगे सबकी चौड़ाई सेम होगी, ये चीज़ समझ में आती है, यानी कि विड्थ ऑफ फ्रिंज इज सेम इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट इंटरफेरेंस, जो ब्राइट बनना होगा उसके लिए, या मैक्सिमा, ठीक है, इसके लिए होगा। तो ये अब बात करते हैं जरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लेते हैं वहां पे क्या हो रहा होगा। तो अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, उस केस में क्या हो रहा होगा जब डार्क बन रहा होगा, जब यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, यानी कि मिनिमा हो रहा होगा, उस केस में क्या हो रहा होगा। ये वाई एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी वाई डी ये निकल के आया, ये किसके लिए आया, ये मैक्सिमा के लिए, ये ब्राइट के लिए, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकल के आया। तो उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, बस पाथ डिफरेंस की कंडीशन पता होनी चाहिए कितनी, वो होती है टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, और डेल्टा एक्स इक्वल टू है कितना, डी साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा को, क्योंकि थीटा वाले स्मॉल, तो डी साइन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कल लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा, तो यहाँ कर देंगे तब टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह पे रख देंगे हम लोग क्या, ये थीटा, तो यहाँ टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वाई एन बाई डी। अब हम मान लें ना वाई एन पे हो रहा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब डार्क फ्रिंज बननी होगी वाई एन पे, अगर डार्क फ्रिंज बननी होगी तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई एन बाई कैपिटल डी, है ना। अब यहाँ से हम लोग वाई एन अगर निकालेंगे तो वाई एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वाई एन इक्वल टू मिल जाएगा टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, और ये हो गया डी बाई डी, ये मिला हम लोग को फाइनली फॉर्मूला। ये किसके लिए मिला, ये मिला डार्क फ्रिंज के लिए, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो इसमें जो वाई एन है उसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ एनथ डार्क फ्रिंज, ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ एनथ डार्क फ्रिंज। इस केस में भी हम लोग निकालते हैं फ्रिंज विड्थ, उस फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए पहले हम लोग निकालते हैं कि किस किस पोजीशन पे कौन कौन सी फ्रिंज बन नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करें, एन की वैल्यू वन टू थ्री रखते चले जाए, हम लोग को मिलती जाएगी फ्रिंज, कौन सी, डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, हाँ, तो ये हम लोग को मिल गया पोजिशन ऑफ एनथ डार्क फ्रिंज। तो अब अगर हम लोग यहाँ एन बराबर वन वन रख देंगे तो हम लोग को पहली डार्क फ्रिंज मिल जाएगी, तो वो कितने पे मिलेगी, वो मिल जाएगी हम लोग को लैम्डा डी बाई
2d। अगर हम लोग n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2, तो कितना मिल जाएगा, तो y2 हम लोग को मिल जाएगा 3/2 लैम्डा d/d। अगर हम लोग n की वैल्यू 3 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, y3, y3 मिल जाएगा 5/2 लैम्डा d/d। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह मिलते चला जाएगा, तो अब हम लोग फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। अब हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ मतलब फ्रिंज फ्रिंज की चौड़ाई कितनी, ये निकालते हैं किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मतलब जब डार्क बन रहा होगा, मतलब जब मिनिमा बन रहा होगा। तो क्या करेंगे, y2 - y1 कर देंगे। जब y2 - y1 कर देंगे तो क्या मिला, ये हो जाएगा 3/2 लैम्डा d/d -1/2 लैम्डा d/d। तो मिला क्या, मिला लैम्डा d/d। या फिर हम लोग कर देते हैं y3 - y2, तो क्या मिला, उस केस में भी मिला लैम्डा d/d। दोनों ही केस में लैम्डा d/d मिल रहा है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी जो फ्रिंज बनेगी उसकी चौड़ाई सेम होगी, यानी कि फ्रिंज विड्थ सेम होगी। और इतनी ही फ्रिंज विड्थ हम लोग को मिल रही थी कब, जब ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। यानी कि एक बात यहाँ से सामने क्या निकल के आती है, कि चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चाहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, दोनों ही केस में जो फ्रिंज विड्थ होगी वो सेम होगी, उसकी चौड़ाई सेम होगी। वो होगी कितनी, वो होगी फ्रिंज विड्थ होगी, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ वो होगी लैम्डा d/d, लैम्डा कैपिटल d/d। वो कितनी होगी लैम्डा, इसको फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से डिफाइन करते हैं, बीटा, और ये होगी कितनी लैम्डा कैपिटल d/d। इसकी थिकनेस सेम रहती है, एक तो ये इंपॉर्टेंट निकल गया यार। तो चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो चाहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, दोनों ही केस में जो फ्रिंज बनेगी उनकी चौड़ाई, उनकी थिकनेस सेम होगी। और वो होगी कितनी, वो होगी बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d। तो अब यहाँ पे पूरा समराइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिजल्ट निकल के आया। इसमें ये जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें ये निकला कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें जो पोजिशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज होती है वो होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो होती है n लैम्डा d/d, ये होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है तो उस टाइम होती है yn इज इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा d/d, है ना, यहाँ तक क्लियर, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है। और दोनों ही केस में जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सेम होती है, वो कितनी होती है, वो होती है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d। ये स्मॉल डी क्या होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स होता है, ठीक है, जो कि काफी स्मॉल होती है। तो अब आपको यहाँ बता देते हैं जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, तो इस तरह से याद करना है कि जो पोजीशन ऑफ पहली, जो देखिए, जो सेंटर पे जो बनती है, सेंटर वाला तो ये होता है, ये जो सेंटर पे जो बन रही है ये तो होती है सेंटर, इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सीबी, इसे बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। इसके बाद ये जो बनती है इसे बोलते हैं पहली डार्क, ये होती है फर्स्ट डार्क, ये होती है फर्स्ट ब्राइट, ये होती है सेकेंड डार्क, ये होती है सेकेंड ब्राइट, ये होती है थर्ड डार्क, इसे बोलते हैं थर्ड ब्राइट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पहली, जो पहले तो जीरो पे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बननी होगी, ठीक है, उसका जो पहली ब्राइट फ्रिंज बननी होगी वो कितने बननी होगी, वो बननी होगी लैम्डा d/d पे, दूसरी बननी होगी 2λ d/d पे, तीसरी बननी होगी 3λ d/d पे, इस तरह से आप लोग याद करिए, न्यूमेरिकल करते टाइम आसानी हो जाएगी। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा उस पर जो पहली डार्क फ्रिंज बन रही होगी वो कितने बन रही होगी, वो बन रही होगी, वो बन रही होगी, ये जो पहली ब्राइट फ्रिंज थी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ये सेकंड, ये फर्स्ट, और ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो इसकी जो पहली ब्राइट फ्रिंज है वो बन रही है कितने, 1λ d/d पे, तो ये बन रही होगी 0.5λ d/d पे, ये याद रखिए ऐसे। ये जो सेकंड, इसकी जो ब्राइट फ्रिंज है वो बननी 2λ d/d पे, तो यहाँ पे बननी होगी 1.5λ d/d पे। उसी तरह यहाँ पे जो थर्ड डार्क फ्रिंज होगी वो बननी होगी 2.5λ d/d पे। उसी तरह ये जो फोर्थ डार्क फ्रिंज बननी होगी यहाँ पे, फोर यानी कि उसमें से 0.1 का 0.5 कम कर दो तो क्या मिला, 3.5λ d/d पे, इस तरह से ध्यान रखिए। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला चलो ये बताओ कि 26 डार्क फ्रिंज कितने पे बननी होगी, तो आप तुरंत बता दीजिए 25.5λ d/d, इस तरह से बता दीजिए। मैंने कहा 40 ब्राइट फ्रिंज किस पे बननी होगी, तो आप बता दीजिए 40 ब्राइट फ्रिंज किस पे बननी होगी, 40λ d/d,
बस ये टर्म याद कर, लैम्डा डिवाइडेड, लैम्डा डिवाइडेड अगर टर्म याद हो गया तो बस क्लियर। अब मैंने कहा 67 डार्क फ्रिंज कब बननी होगी, तो आप बता दीजिए 67 डार्क फ्रिंज कह रहे हैं ना, यानी कि 66.5 लैम्डा डी बाई डी, इस तरह से है ना। तो इस तरह से आप एक न्यूमेरिकल देखते हैं, वो बड़ी आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे एक न्यूमेरिकल लिखा है, बोला कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसमें जो स्लिट सेपरेशन है मतलब जो स्मॉल डी है वो कितना है, वो है 1 मिलीमीटर। फिर उसमें कह रहे हैं जो स्क्रीन रखी है वो 1 मीटर डिस्टेंस दूर रखी है, मतलब डी इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट। फिर बोले एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, वो जो लाइट जो ऐसे जा रही थी ना, तो वो जो लाइट जा रही थी उनकी जो वेवलेंथ है वो है कितनी, 500 नैनोमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁹ - 9 मीटर, ये गिवन है ना। तो उसके बाद कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमा, यहाँ से बता दो, यहाँ से कहीं इस जगह पे जीरो से बनना होगा, यहाँ पे बनना होगा डार्क फ्रिंज बनने की मिनिमा, ये थर्ड मिनिमा है, तो ये पूछ रहे हैं इसकी डिस्टेंस बताओ, मतलब वाई एन बताओ। तो थर्ड मिनिमा कब बनेगा, सीधे ट्रिक से थर्ड मिनिमा बनेगा 2.5 पे, और बाकी लैम्डा डी वाई इसको याद रखिए, तो ये हो जाएगा 2.5 लैम्डा डी वाई डी, ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी वाई एन, यानी कि वाई थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 लैम्डा डी वाई डी। तो बस इसको कर लेते हैं क्लियर, 2.5 इंटू लैम्डा 500 × 10⁻⁹ इंटू डी, डी कितना है 1, यहाँ पे है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 जा, ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 1.25 मिलीमीटर, तो इसमें बी वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल से जो कह रहा है टू स्लिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, वही स्मॉल डी 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी इसमें कितना दे रखा है, वो भी 1 दे रखा है, जो लाइट यूज हुई है वो लैम्डा कितना, वो 6.5 × 10⁻¹। इतनी चीज़ें दे रखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज विल बी, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट होगा, यहाँ से कहीं बननी होगी थर्ड डार्क और यहाँ से कहीं आगे बननी होगी पाँचवीं ब्राइट, ठीक है, इस जगह पे कहीं फिफ्थ ब्राइट बननी होगी, तो ये थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट के बीच की ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करने कह रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, पहले हम लोग ये वाली डिस्टेंस निकाल लें और ये वाली निकाल लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे मिल जाएगी। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कितने पे बनती है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बनती है 5 लैम्डा डी बाई डी पे, और जो थर्ड ब्राइट जो डार्क फ्रिंज है वो बननी होगी कितनी, 2.5 लैम्डा डी बाई डी पे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या मिला, 2.5 लैम्डा डी बाई डी। तो ये 2.5 लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा ये डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 2.5 लैम्डा डी बाई डी। बस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5 × λ 6.5 × 10⁻⁷ इंटू डी अपॉन स्मॉल डी हो 1 × 10⁻³। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका आंसर मिलेगा 1.63 मिलीमीटर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं वाईडीएसई के। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।